आपने कभी बछड़े को खुला छोड़ के देखा? बछड़े को खुला छोड़ के देखो, एक बछड़ा जो पैदा होता है शुरू में वो सीधा माँ के पास जाता है, लेकिन थोड़ा सा बछड़ा बड़ा, बड़े बछड़े की बात कर रहा हूँ, बड़े बछड़े को छोड़ के देखो कहाँ जाएगा? जंगल में मंगल करने। जंगल जाएगा भाई साहब, घूम रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा जंगल में, और उसके मालिक ढूंढ रहा होगा। सभी को जय मसीह की। हमारा यूट्यूब चैनल जीसस मसीह में आप लोगों को स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रॉफेट बजेंद्र सिंह की एक वीडियो को मैं दिखाने जा रहा हूं, जहां पे पापा जी ने अपने चर्च में प्रचार करते हुए बोले जा रहे हैं, तूने कभी बछड़े को देखा? तूने कभी बछड़े को देखा तो एक बार बछड़े को छोड़कर देखो। जब पैदा होता है बछड़ा तो शुरू में सीधा माँ के पास जाता है, थोड़ा सा जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे छोड़कर देखना क्या होता है, सीधा जंगल की ओर भाग जाता है, तो मालिक उसे ढूंढता रह जाता है। पास्टर भी इसी तरह अपनी बछड़े को ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ गए हैं हमारे बछड़े, लेकिन बछड़े मिल नहीं रहे हैं तो ढूंढते रह जाते हैं। तो बछड़ा तो उस ढूंढते हुए बहुत तो पापा जी ने इसी तरह का प्रचार किए हुए, आइए हम देखते हैं इस प्रचार को। आपने कभी बछड़े को खुला छोड़ के देखा? बछड़े को खुला छोड़ के देखो, एक बछड़ा जो पैदा होता है शुरू में वो सीधा माँ के पास जाता है, लेकिन थोड़ा सा बछड़ा बड़ा, बड़े बछड़े की बात कर रहा हूँ, बड़े बछड़े को छोड़ के देखो, कहाँ जाएगा? जंगल में मंगल करने। जंगल जाएगा भाई साहब, घूम रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा जंगल में, और उसके मालिक ढूंढ रहा होगा, कहाँ गया मेरा बछड़ा, कहाँ गया मेरा बछड़ा। यहाँ पास्टर भी बेचारे ढूंढते रहते, कहाँ गए मेरे बछड़े, संडे नहीं आया, अरे कहाँ गए? बछड़े ढूंढ रहे हैं लेकिन बछड़े मिल नहीं रहे हैं। ढूंढता जा रहा बछड़ा, घूम रहा जंगल में। कभी आपने किसान से पूछो, जब बछड़ा जब निकल जाता है तो मिलता नहीं है, काफी काफी दिन नहीं मिलता। जो भैंस खो जाती है, जो कटड़ी खो जाती है, कटड़ा खो जाता है, सुन रहे हो कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है बछड़ा बछड़ा बछड़ा, बछड़ी भी हो सकती है, बछड़ी बछड़ा कटड़ा कटड़ी सारे अगर खो जाए तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, एक दिन दो दिन तीन दिन, और कई बार व्यक्ति आते हैं और उसको पकड़ के ले आते हैं, तुम्हारी भैंस ये रही, तुम्हारा कटड़ा ये रहा, तुम्हारी गाँव ये रही, ओ भाई साहब हमारे विश्वास को भी छोड़ दियो भाई साहब, हमारे चर्च में क्या कह रहा हूँ, हम खुला नहीं छोड़ते। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो करा शैतान को एंट्री मिलती है, वो चाहता है ऐसे लोगों को ढूंढता है। किसने अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ है, किसने अपने विचारों को खुला छोड़ा हुआ है, इसलिए वो भटकाने वाली आत्मा उनके पास आती है। आज इसी समय बोलो यीशु के लहू से ढक लेते हैं हम, यीशु मसीह के नाम बोलो ढक लेते हैं, ढक लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ढक। हालेलुया। देखो पढ़ो क्या लिखा, 4:12 में, चाहे तू भूमि पर खेती करे। ये कौन है? कैन नाम का एक लड़का है आदम का, और इसने क्या किया, इसने ईंट उठाकर जब अपने भाई को मार दिया, क्यों? कारण क्योंकि माँ बाप ने केयर नहीं किया। माँ बाप कह रहे थे आज ना हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं, पति पत्नी तुम अकेले चले जाओ जरा, हाँ आज चर्च में तुम अकेले चले जाओ। बेचारे चर्च में अकेले गए, वहां पर लड़ाई पड़ गई, और उसी समय उसने ईंट मारकर मार दिया अपने भाई को, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है, और क्रोध में क्या करा, चाहे करा कैन आज से मेरा श्राप तेरे ऊपर होगा। कैन चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तू बिजनेस लगाए, चाहे तू फैक्ट्री लगाए, चाहे तू करियाने की दुकान खोले, मंडी में खोले, लकड़ मंडी में खोले, चाहे लोहे का काम करे, चाहे ब्यूटी पार्लर करे, चाहे पाउडर पार्लर करे, किसी के खोपड़े पर करे, चाहे जूतों पर करे, कोई भी काम करे, करा जा श्रापित होगा। ये श्रापित दे दिया है उस व्यक्ति को, कहता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा मानने का कर मन नहीं है, जो परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं रखता, उसको श्राप मिला हुआ है। ये लिखा, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला, क्या लिखा, भटकने वाला, लिखा तू भटकने वाला भगोड़ा होगा, भगोड़ा भाग जाएगा। कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से जो भागते हैं, जिनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आ रहा होता है, कैसा प्रचार कर रहा पादरी, इसका मतलब क्या है? शैतान आपको भटकाना चाहता है, आपके अंदर से भगोड़ा कराना चाहता है, आपको चर्च में अगर बैठे बैठे बार बार प्यास लगती है, इसका मतलब क्या है, भटका रहा है आपको, वो आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, छोटा बच्चा चूचू आ रहा बार बार, इसका मतलब भटका रहा है वो आपको, आपको वचन से भटका रहा है, आपके माइंड में कुछ भी कर रहा है आपको भटका रहा है,
आपकी दिमाग किधर जा रहा है? आप चर्च बैठे हो, प्रार्थना करने बैठते हो, बाइबल पढ़ने बैठते हो, लेकिन कहीं और चले जाते हो, सलमान खान बन गए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बाइबल खुली है, कहीं और जा रहे हो। इसका मतलब कि आपका मन भटका रहा है, आपकी आत्मा के आसपास भटकाने वाली आत्मा है। उसी समय उस स्पिरिट को डांट देना है। आज बोलो डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब आप डांटते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज चर्च भटकाने वाली आत्माएं, कह रहे हैं कि चर्च में भी भटकाने वाली आत्मा घुस आती है। कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कैन प्रार्थना करने गया, चर्च में गया, लेकिन उसके पीछे केयर करने वाले माँ बाप नहीं थे। जिन चर्च के पीछे स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, कह रहे जिन लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं होता वो भटक जाते हैं अपनी लाइन से। लेकिन याद रखना ये स्पिरिचुअल फादर तुम्हारे लिए हाथ उठाता है, भटकोगे नहीं यीशु मसीह के नाम। तो ये वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगा? सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन आमीन।